तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया मेडिसिंस पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी कंडीशन के बारे में बात करने वाले हैं जिससे अक्सर हम भी कभी ना कभी जूझे हैं, या हमारे आस पड़ोस में हमने अपने घरों में या अपने रिश्तेदारों में अपने यार दोस्तों में हमने इस कंडीशन को देखा है। ये जो कंडीशन है ये है एलर्जी। लेकिन क्या कभी मन में सवाल आया कि ये एलर्जी होती क्या है, या फिर इसके लक्षण यानी कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। अब भाई एलर्जी कई तरीकों से हो जाती है। हम जो है बाहर खेल कूद में गए, खेल कूद की हमने, धूल धक्कड़ से हमें एलर्जी हो गई। बहुत सी बार हमने ये भी सुना है कि भाई फलाने ने या उस इंसान ने ऐसा भोजन खा लिया, वैसा भोजन खा लिया, उसको एलर्जी हो गई। मन में सवाल आता है कि भाई खाने से भी एलर्जी हो सकती है। तो हम ये भी जानेंगे कि एलर्जी के रीजंस यानी कि उसके कारण क्या क्या होते हैं। अब भाई कोई बीमारी हुई है तो उसको ठीक कैसे किया जाए, उसका इलाज कैसे किया जाता है, ट्रीटमेंट क्या होता है, उसके बारे में भी जानेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि भाई कौन कौन सी दवाइयां यानी कि हम कौन कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं एलर्जी की कंडीशन को ठीक करने के लिए। आप जिस भी मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। इसके माध्यम से एलर्जी क्या होती है पूरी जानकारी आपको प्राप्त होगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी, अपने कलीग्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। शुरुआत करते हैं कि भाई एक एलर्जी होती क्या है। व्हाट इज अ एलर्जी? भाई सीधी सी बात है, एलर्जी जो है हमारी बॉडी में एक रिएक्शन होता है। मतलब कि एक ऐसा जो है बेसिकली उत्पाद है या एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे शरीर की प्रतिक्रिया है, जो कि बेसिकली काफी हार्मफुल है यानी कि हानिकारक हो सकती है या आक्रमणकारी भी हो सकती है, मतलब वो इन्वेड कर देती है। अब बेसिकली जो सामान्य तौर पर इसके जो कुछ एलर्जेंस होते हैं जिनकी वजह से एलर्जी होती है, इसमें एक तो हमारा पॉलन जिसको आप पराग कहते हैं, डस्ट माइट्स धूल के कण होते हैं, और जानवरों का जो बेसिकली रूसी होता है यानी कि जानवरों के जो डेंडर्स हैं एनिमल्स के, उनकी वजह से ये एलर्जी होती है। कुछ लोगों में तो एलर्जेंस जो है ऐसे भी ट्रिगर कर जाते हैं कि जिनका जो इम्यून सिस्टम है यानी कि जो इम्यूनिटी होती है वो काफी कम होती है। इम्यूनिटी वीक होने की वजह से भी एलर्जी बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है। आपने देखा होगा हाथों पर लाल लाल चकत्ते से बनने लगते हैं, रैशेस हो जाते हैं, आंखें मसलते रहते हैं इंसान, नाक लाल पड़ जाती है, कान खुजाते खुजाते कानों पर जो है छाले हो जाते हैं, दफड़ हो जाते हैं। ये एक एलर्जी ही होती है। इसके अंदर कुछ फिजिकल रिएक्शंस भी होते हैं यानी कि शारीरिक प्रतिक्रिया भी होती है, जैसे हम बार बार स्नीज कर रहे हैं यानी कि छींक रहे हैं, हमारे चकत्ते हो रहे हैं, रैशेस हो रहे हैं, और भी काफी सारे लक्षण आते हैं। लक्षण भी बताऊंगा यानी कि सिम्टम्स भी बताऊंगा, उससे पहले जान लेते हैं कि एलर्जी वास्तव में होती क्या है। ये जो एलर्जेंस है ये वो पदार्थ है जिनकी वजह से इम्यून रिएक्शंस होते हैं, मतलब जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो जो है बेसिकली प्रभावित हो जाती है या फिर वीक हो जाती है यानी कि अफेक्ट हो जाती है। साथ ही साथ एलर्जी जो है वो जेनेटिक भी हो सकती है, लेकिन ये एक इंसान से दूसरे इंसान पर फैलती नहीं है, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान पर प्रेषित नहीं होती है। जेनेटिक तो हो सकती है कि भाई एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चली गई है। लक्षण क्या क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहला आता है फीवर यानी कि बुखार हो सकता है जब भी हमें एलर्जी होती है। फिर आता है कि हमें जो है सर्दी हो सकती है, कोल्ड हो सकता है, साथ ही साथ में हमारी नाक बंद हो सकती है, कंजेशन हो सकता है। नाक जब बंद हो जाती है तो उससे क्या होता है, काफी परेशानी होती है, सांस लेने में कठिनाई होती है, हमारी रनी नोज हो सकती है, नाक से पानी बह सकता है, नाक से लगातार वाटर आता रहेगा, एक पतला लिक्विड सा आता रहेगा, इसको रनी। साथ ही साथ छींके बहुत ज्यादा आ सकती है, हम स्नीज ही करते रह सकते हैं, इसके अंदर हमारी नाक या आंखों में खुजली होने लगती है, हम खुजाते रहते हैं अपनी आंखों को या नाक को मसलते रहते हैं जिसकी वजह से वो लाल भी पड़ जाती है। साथ ही साथ
हमारी आंखें सूज भी सकती हैं, हमारी आंखें स्वेल भी हो सकती हैं। ये बेसिकली ये लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं किसके, एक एलर्जी के। तो बात करेंगे कि भाई ये बीमारी क्या हुई, ये तो पता चल गया, लक्षण क्या होते हैं ये भी पता चल गया, लेकिन असल रूप में कारण क्या होता है, किस वजह से ये एलर्जी होती है। भाई जो एक हमारा एग्जैक्ट है, यानी कि बेसिकली सीधा सीधा कहा जाए कि भाई ये होता क्यों है, इसका जो एक मेन एग्जैक्ट रीजन है यानी कि सटीक कारण है, वो ये है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को रिएक्ट करती है। जो भी खतरनाक यानी कि हार्मलेस एलर्जेंस होते हैं, जिनकी वजह से जो बेसिकली हमारी एलर्जी होती है, वो अभी तक हमें पता नहीं चला है, क्योंकि सिर्फ इतना पता है कि वो हमारे इम्यून सिस्टम को रिएक्ट करेगा। एलर्जी जेनेटिक भी हो सकती है, और जो सामान्य तौर पर एलर्जेंस होते हैं जिनकी वजह से जो बहुत सारे फॉरेन पार्टिकल्स, अब भाई कोई बाहर से कोई पार्टिकल हमारे शरीर पर लगा जिसकी वजह से एलर्जन हुई, जो वो पार्टिकल्स हैं वो फॉरेन पार्टिकल्स ही तो कहलाए जाएंगे, जिसकी वजह से एलर्जी हमारी जो है ट्रिगर हो गई। अब इसमें पशु उत्पाद भी शामिल होते हैं, जैसे पशुओं के जो बेसिकली हमारे एनिमल्स का जो डैंड्रफ होता है, उनका वेस्ट होता है, उसकी वजह से हो सकती है। कुछ दवाइयां होती हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं, जैसे पेनिसिलिन और सल्फा ड्रग्स हो सकती है। साथ ही साथ कुछ हमारे खाद्य पदार्थ यानी कि हमारे फूड प्रोडक्ट्स भी होते हैं, जैसे वीट यानी कि गेहूं, नट्स, दूध, ठीक है, जो हमारी बेसिकली भेड़ बकरी होती है, शीप और अंडे इत्यादि, मीट एक्सेट्रा। साथ ही साथ में जो कीट होती है हमारी, जिसको आप स्टिंग्स कहते हैं, जैसे बीज, वैप्स या मॉस्किटोज, उनकी वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है जो मोल्ड या फुफंद होती है, ठीक है, उसकी वजह से भी होती है। और कुछ हमारे कॉमन एलर्जेंस जो होते हैं, वो कुछ हमारे पेड़ पौधों से भी लग जाते हैं, जैसे घास होती है या वीड्स होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उनकी वजह से भी हो जाता है। और भी बहुत सारे ऐसे हमारे बेसिकली एलर्जेंस हैं, जैसे लेटेक्स ग्लव्स आते हैं, कॉन्डम्स होते हैं, मेटल्स हैं, और कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे निकल है, इसकी वजह से भी जो बेसिकली ये एलर्जी होती है ये हो जाती है। अब बात आती है कि भाई इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इसका इलाज कैसे किया जाता है, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। इसमें एलर्जी के जो भी हमारा ट्रीटमेंट है, उसमें हम मेनली जो हम ध्यान देते हैं वो किस पे देते हैं, कि जो सिम्टम्स हैं यानी कि जो लक्षण हैं, उनको कैसे कम किया जाए, उनसे कैसे बचा जाए, जिससे कि वो खतरनाक रूप ना ले ले, यानी कि सीवियोरिटी ना बढ़े। एलर्जी डिपेंड करती है कि भाई किस प्रकार की है, और एक पर्सन में, जिस भी इंसान में, मरीज को ये एलर्जी हुई है, उसकी सीवियोरिटी की कंडीशन क्या है। इसमें कुछ पर्टिकुलर मेथड्स हैं, जैसे सबसे पहला हम एंटी हिस्टामिन ड्रग्स यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली हमारी वो मेडिकेशंस होती है, जो एक केमिकल होता है हमारी बॉडी में हिस्टामिन, जिसकी वजह से एलर्जिक सिम्टम्स जो है बेसिकली जनरेट होते हैं, ये उसी पे काम करता है, उसी को कम करता है। ये टैबलेट, सिरप और नाक वाले जो स्प्रेज आते हैं, नोज के जो नेजल स्प्रे होते हैं, उस फॉर्म में अवेलेबल है। फिर आते हैं डीकंजेस्टेंट्स, ये बेसिकली ये वो मेडिकेशंस होती हैं जो नेजल कंजेशन को रोकती हैं, मतलब जो नाक बंद हो जाती है उसको कम करती हैं, और हमारी को सांस लेने में और भी आसानी दिलाती है, ये बेसिकली वो मेडिसिन। इसके बाद आ जाती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब बेसिकली जब भी इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन हो जाती है, ठीक है, तब उसको कम करने में ये मदद करती है। साथ ही साथ ये भी टैबलेट, स्प्रे और जो क्रीम या इनहेलर्स होते हैं, उस फॉर्म में अवेलेबल है। इसके बाद इम्यूनोथेरेपी एजेंट्स होते हैं। अब इसमें जब बेसिकली कोई भी एक मरीज, एक पेशेंट, थोड़ी बहुत अमाउंट में जो एलर्जिक कॉजिंग सब्सटेंसेस होते हैं वो उसके अंदर चले गए हैं, ठीक है, तो वो जब इस प्रोडक्ट को, इस ड्रग को कंज्यूम करता है, तो उसको काफी तौर पर आराम मिलता है, वो एलर्जी को टॉलरेट कर पाता है। उसके बाद है फिर हमारे घरेलू उपचार यानी कि होम रेमेडीज, जैसे नमक पानी के गरारे कर सकते हैं अगर खराश होती है, भाप ले सकते हैं यानी कि आप, सीधी सी बात है, आप जो है बेसिकली स्टीम ले सकते हैं, उससे काफी आराम मिलता है। शहद और अदरक का जो बेसिकली जो रस होता है, ये भी आपको काफी राहत देने में मदद करता है एलर्जी से। बात आ जाती है कि इसके ट्रीटमेंट में हम दवाइयां कौन कौन सी यूज करते हैं यानी कि ड्रग्स। सबसे पहली कैटेगरी है हमारी सेट्रिजिन की, ठीक है, सेट्रिजिन आती है मार्केट में,
काफी सारे ब्रांड नेम्स इसके अवेलेबल है, काफी नामों से आती है। अगर मैं बात करूं इसके यूज की, तो जब भी हमारे को एलर्जिक राइनाइटिस हो जाती है, छींके ज्यादा आने लगती हैं, या नाक से पानी बहने लगता है, रनी नोज हो जाती है, अर्टिकेरिया जिसको आप हाइव्स कहते हैं, ठीक है, पित्ती वो हो जाती है, तो तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। डोज की बात करें तो जो अडल्ट्स की डोज होती है 10 mg, आप इसे दिन में एक बार दे सकते हैं, और साथ ही साथ छोटे बच्चे जो होते हैं 6 से 12 साल के, उनको 5 mg दिन में एक बार देनी होती है। मैं बात करूं उसके और ब्रांड नेम्स की, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया काफी सारे ब्रांड नेम्स से मार्केट में अवेलेबल है, जैसे जिस्टा है, कॉनिट है, सेट सिप है, सेट एचएल है, बहुत सारे ब्रांड नेम्स मार्केट में अवेलेबल हैं और भी बहुत सारे आते हैं। वहीं पर नेक्स्ट आती है हमारी लोराटेडिन, ठीक है, जो ड्रग का नाम है वो है हमारा लोराटेडिन। अगर यूजेस की बात करें तो जब भी कोई एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं, जैसे हमारे को इचिनेस हो रही है, खुजाई बहुत ज्यादा हो रही है आंख पे या नाक पे या शरीर पे, नाक से पानी बह रहा है, पानी आंखों से बह रहा है, पित्ती हो गई है यानी कि हाइव्स हो गए हैं, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। डोज की बात करें तो अडल्ट्स की डोज 10 mg दिन में एक बार, और वहीं पर अगर हम इसके ब्रांड नेम्स की बात करते हैं तो लॉरमिडिन नाम से आता है, लोराटेक नाम से आता है, वेलोरा नाम से आता है, निप्लोर नाम से आता है, और भी बहुत सारे ब्रांड नेम्स अवेलेबल है मार्केट में, जो हमारे लिए अवेलेबल हो उस कंडीशन में वो यूज कर सकते हैं, लेकिन बस मेन रहता है लोराटेडिन ड्रग होना चाहिए। नेक्स्ट आती है फेक्सोफेनाडिन। फेक्सोफेनाडिन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है बेसिकली एलर्जिक कंडीशन में। ये जो फेक्सोफेनाडिन है, यूजेस की बात करें तो जब भी हमारे की आंखों में पानी आता है, इचिंग होती है, रैशेस हो जाते हैं, छींके बहुत ज्यादा आती है, तब इस ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है फेक्सोफेनाडिन का। अगर मैं बात करता हूं इसके डोज की, तो इसकी जो अडल्ट डोज होती है वो आप 180 mg दिन में एक बार ले सकते हैं, या फिर 60 mg दिन में दो बार ले सकते हैं, ठीक है। पर अगर मैं और ब्रांड नेम्स की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो कॉमनली है वो है एलेग्रा, फिर है हमारा डॉक्टर फेक्सो, फेक्स्ट 120 आता है, फेक्सोडीन आता है, और भी बहुत सारी डोजेस मार्केट में अवेलेबल है। अब बात आ जाती है नेक्स्ट कैटेगरी की, जो कि है लिवोसेट्रिजिन टैबलेट। अब जो लिवोसेट्रिजिन टैबलेट होती है, इसका जो अगर हम यूज की बात करें तो जब भी हमारी आंखों से पानी आए, खुजली लगने लगे, नाक से पानी आए, छींके बहुत ज्यादा आने लगे, तब हम इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। डोज की बात करते हैं तो अडल्ट डोज 5 mg होती है दिन में एक बार, यानी कि वहीं पर मार्केट में और भी बहुत सारे ब्रांड नेम्स अवेलेबल हैं, जैसे लेवोरिड है, लिकोप है, ठीक है, लेमोसेट है, एलसेट 5 है, और भी बहुत सारे ब्रांड नेम्स मार्केट में अवेलेबल हैं। और सॉल्ट है ऐसा ड्रग जो कि मॉन्टिल्यूकास्ट है, फेक्सोफेनाडिन के बाद ये भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये मॉन्टिल्यूकास्ट के अगर यूजेस की बात करें तो जब भी हमें अस्थमा हो जाता है, एलर्जी के जो सिम्टम्स हैं उसमें आराम दिलाता है अस्थमा जैसी कंडीशन में। अगर हम बात करें इसकी डोज की, तो 10 mg की दिन में एक बार आप डोज ले सकते हैं, और आम तौर पर जो प्रेफरेबल है डोज इसकी शाम है। मार्केट में ये काफी नामों से आती है, जैसे मॉनवेल, लेरकास्ट, ठीक है, इग्यूसी, और साथ ही साथ मॉन्टेल या फिर बिलसोग एम, ये और भी कॉम्बिनेशंस में आती है, जैसे लिवोसिट्रिजिन और मॉन्टिल्यूकास्ट, जैसे इबास्टिन और मॉन्टिल्यूकास्ट, जैसे बिलास्टिन और मॉन्टिल्यूकास्ट एक्सेट्रा। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम्स अवेलेबल हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में जाना कि जो एलर्जी होती है वो क्या होती है, उसके कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, कौन कौन सी दवाइयां इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए आप बने रहिए फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के साथ, और आप डाउनलोड करना ना भूलें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप। उसमें जब आप सर्च करेंगे मेडिसिन डिक्शनरी, आपको बीमारियों से संबंधित, दवाइयों से संबंधित कंप्लीट A to Z इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और साथ ही साथ आपको हमारे WhatsApp और Telegram चैनल के थ्रू भी काफी अपडेट्स मिलते रहेंगे, उनके माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के साथ, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।